हेलो डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद सभी को। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में बात करने वाले हैं, जैसे कि हम लोग पॉलीनोमियल चैप्टर पढ़ रहे थे और पॉलीनोमियल चैप्टर में स्टूडेंट्स हम लोगों ने बहुत सारी चीजें कवर कर ली थी। बेसिक फंडामेंटल उसका देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम को भी देख लिया। रिमाइंडर थ्योरम के बाद स्टूडेंट्स उसमें हम लोगों ने फैक्टराइजेशन थ्योरम को भी देखा कि फैक्टराइजेशन थ्योरम क्या कहता है, क्योंकि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है और इसका यूज बहुत ही ज्यादा होता है, तो इसलिए हमें इन सब चीजों को जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसी के आगे जो इसका कंटिन्यू करते हुए इसी का जो एक मेन पार्ट और भी है कि फैक्टराइजेशन कैसे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं फैक्टराइजेशन करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि फैक्टराइजेशन वो मिडिल स्प्लिटिंग से करना होता है या फैक्टराइजेशन आपका इस मेथड से करना होता है, मिडिल स्प्लिटिंग हो गया या और दूसरा मेथड हो गया। तो दोनों मेथड में आपको यहाँ पे बताऊंगा कि आप कैसे फैक्टराइज करेंगे चीजों को, कैसे आप सॉल्व करना है क्वेश्चन को, तो कैसे आप प्रॉपर वे में कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में स्टूडेंट्स जो आपका है आज का फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, कि क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को हमें किस तरह से फैक्टराइज करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसे क्या है, फर्स्ट इसमें बताया गया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, हम क्या करते हैं इसमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम फैक्टराइज कर लेते हैं, ठीक है। तो मिडिल में क्या है कि कहा गया, सपोज मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल आपके पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम है। मान लिया कोई क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम है, जहां पे स्टूडेंट्स यम और यम जो है ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। मतलब यहाँ पे यल और ये यम ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो अब हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे मिडिल टर्म को और इस तरह से लेंगे कि जो एल एक्स है वो किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी एक्स की तरह से, सो दैट ए बी इक्वल टू यम। तो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे यम हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे इस तरह से आप इसको देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस यम। अब एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम को, क्योंकि ये बताया गया कि एल एक्स एज किस प्रकार से एक्स प्लस बी एक्स के फॉर्म में, तो यहाँ पे एल एक्स को ब्रेक कर दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स के फॉर्म में। क्यों, क्योंकि एल एक्स बताया गया इस फॉर्मेट में, तो इसके लिए भी ये किया गया। और यम को यहाँ पे क्या कहा गया कि जो आपका यहाँ पे यम है ये यम क्या है, ए बी, तो यम के जगह पे यहाँ पे ए बी ले लिया गया, ओके। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्स यहाँ पर भी है, एक्स यहाँ पर भी है, तो एक्स कॉमन कर लिया, तो ये क्या बचा, यहाँ पे एक्स बचा, यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट, ए बचा। फिर यहाँ पे देखते हैं इस वाले टर्म में भी बी है और इस वाले टर्म में भी बी है, बी को कॉमन कर लिया तो यहाँ पे एक्स बच गया और यहाँ पे आपका ए बच गया एक्स प्लस। अब एक्स प्लस ए इस वाले टर्म में भी आ रहा है और एक्स प्लस ए यहाँ पर भी आ रहा है, एक्स प्लस ए को हमने कॉमन कर लिया तो यहाँ पे क्या बचा, एक्स बचा और यहाँ पे क्या बचा, केवल बी बचा। तो इस तरह से ये आपका क्या हो गया, ये फैक्टर हो गया स्टूडेंट्स किसका, आपके इस पॉलीनोमियल का एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस एल एक्स प्लस एम दिया हुआ है, इसका ये फैक्टर हो गया। अगर इसको आप एग्जांपल के थ्रू समझना चाहते हो तो आइए देखाते हैं आपको किस तरह से आप समझेंगे इस चीज को। जैसे मान लिया कोई पॉलीनोमियल आपके पास है स्टूडेंट्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस सिक्स, कोई पॉलीनोमियल आपका इस प्रकार से है, तो इसका मेथड क्या होता है करने का स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप ये जानते हो कि पॉलीनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ये क्या होता है, ये जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल का। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये जो ए की वैल्यू होती है इसको इस कॉन्स्टेंट सी के वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो टू को मल्टीप्लाई करेंगे टू इंटू सिक्स, तो ये क्या हो जाएगा ट्वेल्व। अब स्टूडेंट्स इस ट्वेल्व को इस तरह से ब्रेक करते हैं, इस ट्वेल्व को मतलब ये जो टू इंटू सिक्स यानी कि ये टू इंटू सिक्स जो ट्वेल्व है, इस ट्वेल्व को इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसका फैक्टर लेते हैं कि प्लस या माइनस करने पे ये बीच वाली जो वैल्यू है ना ये बन जाए यहाँ पे। तो हम देख रहे स्टूडेंट्स जो ट्वेल्व को या तो वन इंटू ट्वेल्व किया जा सकता है, या तो टू इंटू सिक्स ट्वेल्व किया जा सकता है, या तो थ्री इंटू फोर किया जा सकता है। तो इस तरह से इसके क्या होते हैं, फैक्टर होते हैं कि जहां पे इसकी वैल्यू जो है ट्वेल्व ट्वेल्व आ जाती है। तो क्या ट्वेल्व में वन एड करने पे वन यहाँ पे, क्योंकि वन एक्स है तो वन आ रहा है, नहीं नहीं आएगा, क्योंकि ट्वेल्व सप्लाई करोगे वन तब भी वन नहीं आएगा और ट्वेल्व में वन ऐड करोगे तब भी नहीं आएगा। फिर देखते हैं क्या टू और सिक्स का कॉम्बिनेशन इस प्रकार से बन रहा है कि सिक्स में से टू को सप्लाई करें तो वन नहीं फोर आएगा, फिर सिक्स में टू ऐड करें तो भी एट आएगा वन नहीं आएगा, फिर अगले वाले जाते हैं ये भी कैंसिल हो गया, फिर नेक्स्ट वाले जाते हैं फोर थ्री का कॉम्बिनेशन देखते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या है फोर थ्री सा ट्वेल्व हो जाएगा, फोर और थ्री करेंगे तो सेवन हो जाएगा ऐड करने पे, और फोर में से थ्री को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन हमें मिल जाएगा, यानी ये वाला कॉम्बिनेशन आपका क्या हो गया, ये राइट कॉम्बिनेशन हो गया। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या है माइनस ट्वेल्व है, क्या स्टूडेंट्स माइनस ट्वेल्व है और फोर में से थ्री को सब्ट्रैक्ट करना है, तो थ्री को माइनस लेना है और फोर को प्लस लेना है, तो यहाँ पे इस तरह से इसको कर पाएंगे, समझ पाएंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा इस वाले पार्ट को कि यहाँ पे क्या है टू एक्स स्क्वायर
प्लस एक्स माइनस सिक्स है, तो अब क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स को ब्रेक करना है तो ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस थ्री एक्स। क्या हो जाएगा स्टूडेंट, फोर एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस सिक्स आपका ये हो गया इस प्रकार से। तो अब आप क्या देख रहे हैं, टू एक्स इसमें भी है, टू एक्स इसमें भी है, दोनों में टू एक्स है, तो स्टूडेंट टू एक्स कॉमन हो जाएगा, यहां पे क्या बचेगा एक्स बचेगा और यहां पे क्या बचेगा प्लस टू बच जाएगा, इस तरह से आपका हो जाएगा। फिर स्टूडेंट्स यहां पर देखते हैं इसमें क्या है, इसमें भी थ्री है और इसमें भी क्या है थ्री है, थ्री कॉमन हो जाएगा, माइनस का साइन है माइनस थ्री हो जाएगा, तो जब माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पे एक्स है एक्स हो जाएगा और प्लस यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा आपका टू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं एक्स प्लस टू इस वाले पार्ट में भी आ रहा है और एक्स प्लस टू इस वाले पार्ट में भी आ रहा है स्टूडेंट्स, तो एक्स प्लस टू कॉमन हो जाएगा, क्या हो जाएगा एक्स प्लस टू आपका कॉमन हो जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा टू एक्स माइनस थ्री बचेगा। तो इस तरह से ये दो फैक्टर आपके मिल गए किसके, इस वाले पॉलीनोमियल, इस वाले क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल के दो फैक्टर हो गए, क्या हो गया एक हो गया एक्स प्लस टू, एक हो गया टू एक्स माइनस थ्री, इस प्रकार से इसको कर पाएंगे। बहुत ही इजी है कॉन्सेप्ट है, अच्छे से आपको समझना है आप कर पाएंगे, बस सीक्वेंस में आपको करना क्या है, अगर यहां पे कुछ नहीं होता है, यहां पे अगर कुछ नहीं होता है तो वन होता है तो वन को मल्टीप्लाई करिएगा इससे, यहां पे कोई भी नंबर हो जो भी नंबर हो उस नंबर को लास्ट वाले कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करना, फिर जो नंबर बन जाएगा उसको इस प्रकार से दो पार्ट में डिवाइड करना कि इन दोनों का प्लस करने से या माइनस करने से, प्लस करने से या माइनस करने से, प्लस करने से या माइनस करने से, ये बीच वाली कंडीशन फॉलो होने लगे, यहां पर जो नंबर हो वो आने लगे, और इस चीज को ध्यान रखिएगा प्लस माइनस में आप लेने के लिए, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो आना चाहिए वो माइनस में आना चाहिए, यहाँ पे माइनस आ जाना चाहिए। आप कर पाएंगे, बहुत ही इजी है स्टूडेंट, इस तरह से आप इसको करेंगे, ये आपका क्या है बाय मीन स्प्रेडिंग द मिडिल टर्म क्या है आप फैक्टराइज कर पाएंगे, ठीक है। तो फैक्टराइज करने के इस तरह से है, अब हम बात करेंगे क्यूबिक, अगर मान लिया हमारे पास क्यूबिक पॉलीनोमियल हो तो क्यूबिक पॉलीनोमियल को हम कैसे फैक्टराइज करें, तो उसका भी एक एग्जांपल मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्यूबिक पॉलीनोमियल को आप कैसे फैक्टराइज करेंगे। हालांकि जब भी कभी क्यूबिक पॉलीनोमियल के आपके पास प्रॉब्लम्स आएंगे तो उसमें एक फैक्टर आपको ऑलरेडी दिया जा सकता है नहीं दिया जा सकता है, तो उसका भी तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे आप क्यूबिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करेंगे। जैसे मान लिया स्टूडेंट्स आपके पास क्यूबिक पॉलीनोमियल में कोई इस प्रकार से हो, एक पॉलीनोमियल में एग्जांपल ले लेता हूं, एक सेकंड स्टूडेंट्स मैं एक कोई एग्जांपल ले लेता हूं अपना सही सटीक एग्जांपल जिससे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे पास एक एग्जांपल है कि यहां पे कि x क्यूब प्लस x स्क्वायर, x क्यूब प्लस x स्क्वायर, x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस वन, ये एक एग्जांपल है यहाँ पे। अब कहा गया इसके फैक्टर बताइए, फैक्टराइज क्या दिया गया, फैक्टराइज इसे हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है। तो अब किस तरह से इसे हम फैक्टराइज करें, तो इसके लिए क्या करना है स्टूडेंट्स, हमें देखना होता है यहाँ पे लास्ट में कॉन्स्टेंट के जगह पे कौन सा नंबर है, देखिए वन है तो वन है तो क्या करेंगे हम प्लस माइनस वन यक्स की जगह पे पुट करके चेक करेंगे कि क्या वन रखने पे इसकी वैल्यू पूरे पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो हो जा रही है, अगर जीरो हो जा रही है तो फिर आगे देखते हैं। तो देखिए यहां पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे पुट, सबसे पहले वन रखेंगे पुट यक्स इक्वल्स टू वन, यक्स इक्वल्स टू वन रखेंगे यहां पे, तो डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा वन का क्यूब, तो ये आपका P1 हो जाएगा, P1 जो कि Px इक्वल टू ये लिखा हुआ है पॉलीनोमियल में, Px इक्वल टू लिखा हुआ, तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा वन का क्यूब प्लस वन का स्क्वायर प्लस यहाँ पे वन हो जाएगा और प्लस आपका ये वन हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या आ गया वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन यानी फोर आ गया, यानी ये मतलब Px इक्वल टू वन पुट करने पे ये नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं पॉसिबल है। तो अब हम क्या करेंगे, हम माइनस वन रख के चेक करेंगे, तो चेक करेंगे पुट x इक्वल्स टू माइनस वन, अब हम माइनस वन पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा p माइनस वन इक्वल्स टू स्टूडेंट्स हो जाएगा माइनस वन का क्यूब, क्या हो जाएगा माइनस वन का क्यूब प्लस माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे प्लस सॉरी यहाँ पे ये माइनस है क्योंकि प्लस x है तो ये माइनस वन हो जाएगा, यहाँ पे इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा, इसलिए जो प्लस लगा लो माइनस वन को आप ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पे माइनस वन हो जाएगा बाहर प्लस हो जाएगा माइनस वन और ये प्लस आपका वन है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे माइनस वन का क्यूब स्टूडेंट्स माइनस वन होता है,
प्लस माइनस वन का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वन आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस वन आ जाएगा, और फिर आपका ये प्लस वन है, तो प्लस वन माइनस वन सब कैंसिल आउट हो गया तो यहाँ पे जीरो आ गया। तो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स क्या है कि एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करने पे ये पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है। तो जब भी कभी माइनस वन रखने पे अगर जीरो हो रहा है तो आप कहेंगे अगर एक्स की वैल्यू माइनस वन पुट करने पे पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है तो आप कहेंगे एक्स प्लस वन विल बी अ फैक्टर ऑफ px, यानी इस px का ये एक फैक्टर होगा। सभी फैक्टर अभी आपको नहीं पता चले हैं, सिर्फ एक फैक्टर की बात बता रहा हूं कि अगर x की वैल्यू माइनस वन आपने रखा है तो यहाँ पे प्लस वन हो जाएगा, अगर प्लस वन रखने पे ये जीरो हो जाता तो यहाँ पे x माइनस वन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स कि यहाँ पे अगर माइनस वन रखने पे ये जीरो हो रहा है तो हम कहेंगे x प्लस वन इसका एक फैक्टर होगा, अगर प्लस वन रखने पे यहाँ पे प्लस वन रखने पे अगर जीरो हो जाता है यहाँ पे तो हम कहते हैं कि x माइनस वन फैक्टर होगा, अगर प्लस रखने पे होता तो x माइनस वन फैक्टर कहते हैं और अगर माइनस वन रखने पे हो रहा है तो ये x प्लस वन फैक्टर। इसी तरह से अगर माइनस टू रखने पे होता तो x प्लस टू फैक्टर हो जाता, अगर प्लस टू रखने पे जीरो हो जाता तो यहाँ पे x माइनस टू कहते हैं कि ये फैक्टर है। अब हमको सिर्फ और सिर्फ अभी एक फैक्टर पता चल पाया है, क्या पता चल पाया है एक फैक्टर, और इसके हमें क्या करना है जितने भी फैक्टर बन सकते हैं सभी करने हैं। तो क्या करेंगे ध्यान दीजिएगा, इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना पड़ेगा इस x प्लस वन से इस वाले पार्ट को आप डिवाइड कर दीजिए। आइए देखते हैं आपको x प्लस वन क्या है, x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस वन, इस पूरे पार्ट को x प्लस वन से डिवाइड कर दीजिए। तो डिविजन के लिए स्टूडेंट्स हमने आपको बताया हुआ है कि यहां पर देखिए कि इसकी पावर क्या है और यहाँ पे इसकी पावर क्या है, तो यहाँ पे पावर वन है यहाँ पे थ्री है, तो वन को x की पावर टू से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये x की पावर थ्री बन जाएगा, ठीक। और एक बार इसके साथ भी इसका मल्टीप्लीकेशन हो गया, अब एक बार इसका इसके साथ हो जाएगा तो x स्क्वायर प्लस वन टाइम्स करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे x क्यूब है प्लस x क्यूब और यहाँ पर भी प्लस x क्यूब है, कैंसिल नहीं होगा क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल होता है, प्लस प्लस कैंसिल नहीं होता है, तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा तो हमें यहाँ भी साइन चेंज करना पड़ेगा, तो ये x क्यूब कैंसिल हो गया और प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भी यहाँ पे इस तरह से कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा स्टूडेंट्स, प्लस एक्स बचा और प्लस वन बचा, तो यहाँ पे प्लस है इस वजह से स्टूडेंट्स यहाँ पे हम प्लस लगाएंगे, यहाँ पे प्लस है इस वजह से यहाँ पे हम क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे इस वजह से हम प्लस का यूज करेंगे। तो जब यहाँ पे आप प्लस का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे आप प्लस का यूज कर रहे हैं तो अभी कितनी बार में जाएगा, तो डियर स्टूडेंट्स ये वन टाइम जाएगा, कितनी बार में जाएगा वन टाइम जाएगा, तो वन टाइम जब जाएगा डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, वन एक्स एक्स हो जाएगा और वन मंजा वन हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस है तो साइन चेंज करिएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्लस है ये भी साइन चेंज करिएगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल आउट होती है जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देख रहे आ गया, तो जब यहाँ पे नीचे जीरो आ गया और ये जो क्वेश्चन आया ना स्टूडेंट्स, ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन मिला है, इस क्वेश्चन को आप एक्स स्क्वायर प्लस वन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखा हुआ है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप कर सकते हैं एक्स स्क्वायर, हाँ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वन को आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन आपका है, वन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा टू एक्स, तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन हो गया, और एक आपका कहाँ पे है, एक आपका ये है क्या एक्स प्लस वन, एक क्या स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्स प्लस वन है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि इसका स्टूडेंट्स क्या हो पाएगा, यहां से आप बताएंगे कि इसकी वैल्यू जो आपकी इसका जो फैक्टर हो पाएगा डियर स्टूडेंट्स, ये आपका किस प्रकार से इसके फैक्टर होंगे, ये दोनों आपके इस प्रकार से इसके फैक्टर हो जाएंगे, किस तरह से आप इसको फैक्टराइज करेंगे। कभी कभी क्या बनेगा, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा उसको अभी जो हमें क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करने का तरीका अभी मैंने यहाँ पे बताया था एग्जांपल के थ्रू, तो उसके थ्रू इसको फैक्टराइज करिएगा तो ये भी दो टुकड़े में डिवाइड हो जाएगा, एक इसका भी फैक्टर एक ही आ जाएगा और एक फैक्टर ये, तो ये मिला के तीनों फैक्टर ये क्या हो जाएंगे, इस क्यूबिक पॉलीनोमियल के फैक्टर्स हो जाएंगे। ऐसे आप क्यूबिक पॉलीनोमियल के फैक्टर्स को फाइंड करेंगे।
आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, आप इसको करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनाइएगा, आप वहां पे क्लियर इसको समझ पाएंगे। ठीक है, अगर चाहे तो एक एग्जांपल और बता सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल मैं कोशिश करता हूँ आप सभी को मैं यहाँ और बता दूं, ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो स्टूडेंट्स दूर हो जाए। ठीक है, देखिए कभी भी आप कंफ्यूजन में ना रहें, क्योंकि कंफ्यूजन में जब आप रहते हैं तो चीजें अच्छी नहीं होती। अगर मैथ्स को समझना है तो बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखनी है। ठीक है, तो चलिए इसका एक एग्जांपल और देख लीजिए, वहां से आपको और भी अच्छे से बेहतर क्लियर हो जाए। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल स्टूडेंट्स मैं ले रहा हूं इसका, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस। अब इसमें कहा गया कि इसको क्या करिए, फैक्टराइज करिए। क्वेश्चन स्टूडेंट्स कि इसको आप फैक्टराइज करिए, इसको फैक्टराइज करिए। तो इसको फैक्टराइज करने का तरीका वही सेम, क्या करिए, यहां पे कांस्टेंट देखिए क्या है, तो 1 है तो आप प्लस माइनस 1 पुट करके चेक करिए। तो पुट पहले 1 रख के चेक करेंगे, पुट x इक्वल टू 1, 1 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, तो पी वन इक्वल टू, क्योंकि ये पी एक्स है तो पी वन इक्वल टू स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, 2 × 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 × 1 माइनस 1 ये वाला। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, 2 × 2 हो जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और -2 × 2 हो जाएगा, और -1 का -1 हो जाएगा। तो ये 2 + 1 = 3 हो गया, -2 - 1 - 3 हो गया, तो 3 - 3 कैंसिल आउट हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, 1 रखने पे क्या हो रहा है, ये पॉलीनोमियल 0 हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे यहाँ पे, सो आपका हो जाएगा x माइनस, हमने कहा था प्लस 1 रखने पे होगा, तो यहाँ पे x माइनस 1 विल बी अ फैक्टर ऑफ px। आप कहेंगे कि जो x माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे प्लस 1 x की वैल्यू प्लस 1 रखने पे 0 होगा ना, तो अगर प्लस 1 रखने पे होगा तो यहाँ x माइनस 1 लिखेंगे, अगर यहाँ -1 रखने पे होता ना तो यहाँ पे x प्लस 1 रखते, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो x माइनस 1 जब एक फैक्टर हमको मिल गया, किसका एक फैक्टर कम से कम ये आपका हो जाएगा, तो अब दो और फैक्टर, क्योंकि क्यूबिक पॉलीनोमियल है इसके 3 फैक्टर होते हैं, तो दो और फैक्टर इसके हमें फाइंड करने हैं। भाई इसके दो फैक्टर और देखते हैं स्टूडेंट्स की क्या होंगे आपके, तो इस आगे देख लेते हैं यहाँ पे, तो इसके दो फैक्टर अगर और देखना चाहें स्टूडेंट्स इस तरह से होंगे कि x माइनस 1 से आप डिवाइड कर दीजिए किसको, 2x क्यूब प्लस x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, इसको आप डिवाइड कर दीजिए। तो डियर स्टूडेंट जब x माइनस 1 से डिवाइड करें, सबसे पहले हमने डिवीजन का आपको तरीका बताया कि यहाँ देखिए नंबर क्या है 1 है, यहाँ क्या है 2 है, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी 2 हो पाएगा। फिर यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे क्या x की पावर 3 है, तो x की पावर 1 को x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की पावर 3 हो जाएगा। अभी 2x स्क्वायर x से करेंगे तो 2x क्यूब बन गया यहाँ पे। ठीक, फिर अब माइनस 1 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2x² हो जाएगा, -2x² अब क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पर भी प्लस का साइन है, प्लस प्लस कैंसिल नहीं होता है तो माइनस करना पड़ेगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, तो इस प्रकार से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्योंकि प्लस है साइन चेंज करेंगे माइनस हो गया, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स। तो ये वाला टर्म क्या हो गया, +2x² + 1x², तो ये आपका हो गया +3x², माइनस एक टर्म यहाँ से ले लेंगे तो ये 2x हो जाएगा। अब क्या है यहाँ पे 3 है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है 1 है, तो यानी प्लस का साइन सबसे पहले तो प्लस है तो प्लस का साइन लाएंगे, और x का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो गया, और x स्क्वायर लाना है तो x 1 है यहाँ पे, और x यहाँ पे एक और ले लेंगे तो x 1 और x 1 क्या हो गया, x की पावर 2 हो गया, मतलब x की पावर 2 हो गया। तो इस तरह से क्या आप 3x का x हो गया तो 3x स्क्वायर हो गया, और 3x का -1 से करेंगे तो स्टूडेंट्स -3x हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, अब यहाँ पर भी प्लस प्लस है तो साइन चेंज कर दीजिए, माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर साइन चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा, टर्म कैंसिल आउट हो गया, और प्लस 3 में से -2 निकल गया तो यहाँ पे केवल x बचा, और यहाँ पे स्टूडेंट्स -1 बचा। अब यहाँ पे आगे साइन क्या है, यहाँ पे प्लस का साइन है तो यहाँ पर प्लस का साइन लगाना है, और क्या लें तो 1 × 1 लेंगे तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो ये आपका x यानी 1 × x हो जाएगा, और 1 - 1 - 1 हो जाएगा, साइन चेंज कर दीजिए, प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, ये टर्म कैंसिल आउट हो गया, आपके 0 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जब 0 आ गया तो ये जो क्वोशेंट मिलता है ना आपका, ये वाला जो क्वोशेंट मिलता है क्या मिल गया, 2x² + 3x
प्लस वन। इसको क्या करिए, इसको मिडिल यानी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को जिससे पहले हमने सिखाया था आपको कि किस तरह से मिडिल स्प्लिटिंग से इसको आप फैक्टराइज करेंगे, इसको फैक्टराइज कर दीजिए। हमने कहा था इस नंबर को आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करिए तो टू वन टू हो जाएगा, और टू को इस प्रकार से आप डिवाइड करिए तो वन टू जो टू होता है और टू वन मिलाकर थ्री हो जाएगा। तो ये आपको मिल रहा है यहाँ पे, तो इसको लिख पाएंगे टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस यहाँ पे एक्स हो जाएगा क्योंकि वन एक्स मतलब एक्स और प्लस आपका ये वन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया यहाँ पे टू एक्स यहाँ पे टू एक्स टू एक्स कॉमन हो गया, यहाँ पे एक्स बचेगा यहाँ पे वन बचेगा तो एक्स प्लस वन हो गया, और यहाँ पे वन कॉमन इसमें वन वन दोनों में है वन कॉमन हो गया तो एक्स प्लस वन हो गया। अब एक्स प्लस वन स्टूडेंट्स यहाँ भी एक्स प्लस वन कॉमन हो गया तो एक्स प्लस वन जब आपने कॉमन कर लिया तो क्या बचा यहाँ पे टू एक्स बचा और यहाँ पे प्लस वन बचा, तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स एक फैक्टर इसका एक्स प्लस वन एक इसका क्या हो गया टू एक्स प्लस वन। तो इस क्लास के स्टूडेंट्स तीन फैक्टर आ गए पी एक्स जो है पीएक्स के आपके तीन फैक्टर आगे कौन कौन से, एक तो यहाँ पे एक्स माइनस वन निकल गया था, दूसरा वहां पे आपका है एक्स प्लस वन और जो तीसरा फैक्टर है इसका टू एक्स प्लस वन। तो इस तरह से स्टूडेंट्स इसके क्या होते हैं फैक्टर्स होते हैं क्योंकि पॉलीनोमियल के कितने फैक्टर, इस तरह से तीन फैक्टर होते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी कोशिश की कि आपको मैं बेहतर से बेहतर तरीके से समझा सकूं ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो डियर स्टूडेंट्स इसको प्रैक्टिस करिए, बेहतर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं कि सर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, ये वाले पॉइंट को आप क्लियर कर दीजिए दोबारा से थोड़ा सा, उस पर एक वीडियो बना दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि आपको उसके लिए बेहतर से बेहतर मैं मटेरियल प्रोवाइड कर सकूं। तो डियर स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब जो नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, बेल वाले आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अपना ख्याल रखिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।